न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन की एक मास पुली सिस्टम है, ये एक पुली है और इससे एक 2m मास सस्पेंडेड है और इसी पुली से एक दूसरी पुली कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पुली एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है और सरफेस का इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पे इस इंक्लाइन सरफेस पे दूसरा मास है m। हमें फाइंड करना है कि इस m मास का एक्सेलरेशन कितना है। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है और ये टेंशन t है, तो ये टेंशन t होगा, ये भी टेंशन t होगा, तो ये टेंशन कितना होगा, ये टेंशन 2t होगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a/2, इसका एक्सेलरेशन a/2 डाउनवर्ड होगा। अगर इसको अपवर्ड माना तो ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन a/2 कैसा है, इसके लिए कंस्टेंट मोशन का अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, देखो इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ ये एम जी है, तो इधर कितना लगेगा, ये थीटा, तो ये एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, एम जी साइन थीटा, ओके। और इसमें क्या लगेगा, 2mg नीचे की तरफ लगेगा। सबसे पहले इसका एफ वी डी बनाते हैं एम ब्लॉक का, तो इसमें इस डायरेक्शन में एम जी साइन 30 और इस डायरेक्शन में टी और ये एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन क्या है कि टी माइनस एम जी साइन 30 इज इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू एम ए, ओके। ये अपनी फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। इसके लिए देखते हैं 2m के लिए ऊपर टेंशन 2t, नीचे 2mg और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन a/2। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2m a/2। देखो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करते कितना था, mg माइनस t इज इक्वल टू m a/2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 3 m a/2। तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, 2 कैंसिल, जी बाई 3, यह आ गया अपना एक्सेलरेशन जी बाई 3।